क्या आप वेट लॉस करने के लिए घंटों तक ट्रेडमिल पे भागते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ ट्रेडमिल पे भागने से आपका वेट कम हो जाएगा? व्हाट इफ आई विल टेल यू कि ट्रेडमिल इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस इक्विपमेंट इन द जिम? अगर सच सुनना है बेस्ड ऑन एविडेंस, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड, अदरवाइज स्किप करके यू कैन कंटिन्यू रनिंग ऑन योर ट्रेडमिल। भाई मैंने भी कल देखा था तेरी एक्स को ट्रेडमिल पे भाग रही थी। वैसे तो इंस्टा पे शेर नहीं लिखती है, कल कुत्ते पीछे पड़ गए तो उसके। फैमिली एंड वर्क का प्रेशर आपको जिंदगी की रेस में दौड़ाता है, एंड ये जिम ट्रेनर्स ट्रेडमिल पर। ट्रेडमिल जिम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली इक्विपमेंट है, एंड सबसे ज्यादा यूजलेस इक्विपमेंट में से एक इक्विपमेंट है। ट्रेडमिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसपे सबसे कम मेहनत लगती है, एंड सबसे ज्यादा लोग उसी पे चिपके रहते हैं, एंड देन कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। वेल, आप यहाँ तक आ ही गया एंड मेरा थोपड़ा देख ही लिया, तो थोड़ा सा और देख लीजिए, शायद मे भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। हेलो गूगल, व्हाई एम आई सिंगल? ओपन योर फ्रंट कैमरा। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। वेलकम एवरीबॉडी, आई एम पुनीत धवन, योर फ्रेंडली हेल्थ मिथ बस्टर एंड अ फाउंडर ऑफ फेस एंड मीडिया। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट ट्रेडमिल्स। व्हाई ट्रेडमिल इज द मोस्ट यूजलेस इक्विपमेंट इन द जिम? व्हिच इज बेटर, ट्रेडमिल और रनिंग आउटसाइड? एंड फाइनली, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर ट्रेडमिल वर्कआउट इफ यू हैव टू डू इट? ट्रेडमिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि यह एक्सरसाइज इक्विपमेंट की रेस का सबसे नालायक घोड़ा है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है, एंड इस वीडियो में मैं आपको अनबायस्ड एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी होगा वंस एंड फॉर ऑल कि ट्रेडमिल या एक्चुअल ग्राउंड रनिंग में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए एंड क्यों। चलिए लेट्स फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडमिल टुगेदर। 19th सेंचुरी में एक इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने इस मशीन को बनाया था। उस वक्त उन्होंने इस मशीन का नाम ट्रेड व्हील दिया था। ये एक्चुअली एक बहुत ही रफ सा मशीन था जिसमें व्हील्स लगे हुए थे, एंड इस पर चलने से चक्की पिसती थी। वैसे तो क्यूबिट ने यह मशीन इसलिए बनाई थी ताकि वो इस पर घोड़ों या गधों को चलवा के गेहूं पिसवा सके, पर हम ह्यूमंस को हर चीज में उंगली करने की आदत है। हम ठहरे नवाबजादे, हमने इसमें भी उंगली कर दी। ओह माय गॉड, आई ब्रोक माय फिंगर टुडे, बट ऑन द अदर हैंड आई एम कंप्लीटली फाइन। उंगली नीचे करो। कुछ ही टाइम बाद क्यूबिट ने इस पॉपुलर होती मशीन का एक अपडेटेड वर्जन निकाला जिसका नाम ट्रेडमिल दिया, एंड ये ट्रेडमिल का नया वर्जन ब्रिटेन के जेल्स में अडैप्ट किया गया। ब्रिटेन के जेल में ये ट्रेडमिल कैदियों के ऊपर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बिलीव नहीं करेंगे, पर कैदियों को दिन में 20 से 21 घंटों तक इस ट्रेडमिल पे चलवाया जाता था। जितना ज्यादा वो इस ट्रेडमिल पे चलते थे उतनी ज्यादा गेहूं पिसती थी। ये इसलिए किया जाता था ताकि उनको पनिशमेंट तो मिले, एंड जेल वालों का प्रॉफिट भी हो सके गेहूं से। ये सजा इतनी दर्दनाक बन चुकी थी क्योंकि दिन में 20 से 21 घंटे चलना इस लायक वरुण धवन की कूली नंबर वन दिन में 4 बार देखना। तो ब्रिटेन की सरकार ने 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इस पनिशमेंट को पूरे ब्रिटेन से बैन करवा दिया। वो वरुण धवन, मैं पुतन धवन, देख हमारे बरादरी की बेइज्जती मत कर। डोंट ईट टू मच कार्ब्स एट नाइट। कर ले, थोड़ी बनती है। फिर पुराने ट्रेडमिल टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज होते होते आज के मॉडर्न वर्जन में डेवलप हो गए। ट्रेडमिल में काफी सारे नए फंक्शन लगा दिए गए, जैसे यू कैन सेट स्पीड, इंक्लाइन, योर हार्ट रेट, कैलोरीज एक्सेट्रा। इनफैक्ट 2019 के यूएस मैराथन चैंपियनशिप के विनर ब्रोगन ऑस्टिन ने अपनी ट्रेनिंग का काफी मेन पोर्शन ट्रेडमिल पर ही डिजाइन किया था। ट्रेडमिल के फंक्शन का एक ड्रॉबैक है कि जो कैलोरीज बर्न्ड आपको ट्रेडमिल के कैलोरी काउंटर पे दिखता है वो एक्चुअली उस डाटा पे बेस्ड होता है जो वेट एंड हाइट आप खुद ट्रेडमिल में सेट करते हैं मैनुअली। मतलब ये मशीन खुद आपके वेट या हाइट को सेंस नहीं कर सकती, इसलिए कैलोरीज बर्न का रिकॉर्ड जो आपको ट्रेडमिल पे दिखाता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बट ट्रेडमिल पे स्पीड सेटिंग या इंक्लाइन सेटिंग का ऑप्शन एंड साथ ही ऑटोमेटिक टाइम कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, इसलिए मैराथन रनर्स एंड स्पीड रनर्स को अपनी ट्रेनिंग को मॉनिटर करने के लिए ट्रेडमिल पे हमेशा आसानी होती है। साथ ही इंक्लाइंस को डिफरेंट एंगल पे सेट करके वो अपने रनिंग की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे उनके एंड्योरेंस एंड रनिंग फॉर्म की ट्रेनिंग वो करेक्ट तरीके से करते हैं। वो रोज कहती थी हम भाग जाएंगे, फिर वो भाग गई, शायद भूल गई मुझे ले जाना। ये तो है ट्रेडमिल की हिस्ट्री। चलो अब ट्रेडमिल के थोड़े एडवांटेजेस देख लेते हैं, जो एक्चुअली डिसएडवांटेजेस ही है, नहीं एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस। चलो छोड़ो, देखते हैं।
किसी भी इन्वेंशन की तरह ट्रेडमिल के भी कुछ अपने ही एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज, ट्रेडमिल को आप इंडोर यूज कर सकते हैं, मतलब बाहर चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी क्यों ना हो, यू कैन ईजिली यूज इट इन योर डिजायरेबल एनवायरमेंट इन इंडोर। दूसरा फायदा ट्रेडमिल का, सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये एक स्टेबल सर्फेस रहता है ऑलवेज, मतलब इसमें कोई ब्रेकर नहीं होते एंड इसमें कोई पत्थर पुत्थर काइंड ऑफ थिंग नहीं होती। सीधा मतलब ये है कि ये एक प्लेन सरफेस होता है, इसलिए लोग इसे टीवी देखते हुए, मोबाइल यूज करते हुए, अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखते हुए यूज करते हैं, मतलब एक्सरसाइज की एक्सरसाइज एंड एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट। जो एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं एक्चुअली वही डिसएडवांटेजेस भी है। चलो वीडियो खत्म, जो अपने सोना मुंह पुच्चू बाबू के साथ। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर मैं किसी और की गर्लफ्रेंड होती तो क्या होता? नहीं, घर वालों ने किसी के बारे में बुरा सोचने को मना किया है मुझे। ट्रेडमिल का पहला एडवांटेज था कि बाहर चाहे वेदर कैसा भी हो, आप इसको इंडोर में अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना वेदर की केयर करे। अब ये समझते हैं कि ये डिसएडवांटेज कैसे बना। फर्स्ट, ट्रेडमिल पे आप चलते नहीं है, आपको चलवाया जाता है ट्रेडमिल के द्वारा। थोड़ा डीपली सोचना, समझ में आएगा। क्या आपको पता है कि जब आप बाहर दौड़ते हैं तो आप एयर को काटते हुए निकलते हैं, जो कि एक्चुअली एक रेसिस्टेंस का काम करती है। दिस फैक्टर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर ओवरऑल कैलोरी बर्न। इसलिए ये भी सच है कि घंटों तक ट्रेडमिल ज्यादा यूज करने से आपके जॉइंट्स वीक होने लगते हैं। ट्रेडमिल पर जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी लेग्स की मसल्स का एक्टिवेशन सिर्फ 20% होता है इन कंपैरिजन ऑफ रनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर आप अपने आप को पुश करते हैं, ट्रेडमिल पर आपको पुश किया जाता है। फील द डिफरेंस ओवर हियर। इनफैक्ट डॉक्टर एजुकेशन के डॉक्टर परमजीत सिंह ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि हमारे नी जॉइंट्स के लिए ट्रेडमिल पर रनिंग के कंपैरिजन में घास पर रनिंग बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि घास के सॉफ्ट सरफेस पे रनिंग करने से आपके नी जॉइंट्स पे रनिंग एंड जंपिंग के मोशन की वजह से शॉक कम पड़ता है। ट्रेडमिल का सेकंड एडवांटेज था कि आप एक प्लेन सरफेस पे चलते हैं बिना किसी इश्यू के, जो अगेन एक डिसएडवांटेज है क्योंकि यहां आपका माइंड विद मसल कनेक्शन नहीं होता। आउटडोर रनिंग इज मच मच बेटर देन ट्रेडमिल, बिकॉज वहां आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसके लिए आपके ब्रेन को अलर्ट रहना पड़ता है। You have to run while your brain and legs के vibes are fully active. आपके सामने उतार चढ़ाव आते हैं, breakers आते हैं, वो सबको देखकर समझने के लिए your brain always be at alert level. But अगर आपको फिर भी करनी है या आपके घर पड़ी है, affect तो नहीं सकते, तो you can utilize it in a very well manner. How? Let's find out. फर्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपके ट्रेडमिल में जितने फैंसी बटन्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है उन सबको यूज करिए। मतलब आपके ट्रेडमिल में अगर रेसिस्टेंस बढ़ाने का ऑप्शन हो, इंक्लाइन करने का ऑप्शन हो, तो आपको अपने वर्कआउट में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ट्रेडमिल सरफेस का इंक्लाइन बढ़ाना चाहिए। इससे आप हिल पे चढ़ने का या हिल से नीचे ढलाई पे दौड़ने का सिमुलेटेड इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। इससे आपके काव्स एंड एंकल्स पर उसी तरह का इफेक्ट पड़ेगा जैसे रियलिटी में एक हिल्स के ऊपर या नीचे दौड़ते वक्त एडवांटेज आपकी बॉडी को मिलता है एंड आपकी लेग्स की एक्टिवेशन भी ज्यादा होगी। बॉबी मग्गी न्यूयॉर्क के बहुत ही फेमस रनिंग कोच है एंड वो अपने ट्रेनी को ट्रेडमिल सरफेस को हमेशा ही 0.5 to 1.5% के स्लाइट इंक्लाइन पे रख करके ही दौड़ने के लिए सजेस्ट करते हैं। इससे आपके बॉडी के मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम पे इस वर्कआउट का ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव असर पड़ेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ये उनके लिए है जो बिलो नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। अगर आप हैवी वर्कआउट करना चाहते हैं तो ऑलवेज पुट इट मोर देन 5% इंक्लाइन ऑन योर ट्रेडमिल। इससे आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपको दौड़ाया जा रहा है, आपको एक्चुअली स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी एंड आपकी लेग्स की मसल एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी। एंड इवन स्प्रिंट्स के लिए भी यू कैन यूज द सेम इंक्लाइन विच इज मोर देन 5%। आप डेफिनेटली अपने ट्रेनर से बात करिए कि आपके वर्कआउट रूटीन को कैसे डिजाइन किया जाए सो दैट आप ऑलवेज ट्रेडमिल पर डिपेंड ना रहे। कोई भी जेन्युइन ट्रेनर आपको ट्रेडमिल रिकमेंड नहीं करेगा, एक्सेप्शनल केस एक अलग बात है, बट अगर आपको आपका ट्रेनर ट्रेडमिल रिकमेंड कर रहा है तो प्लीज चेंज योर ट्रेनर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे इंडोर हो या आउटडोर। अगर बाहर का वेदर आपको अलाउ नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने को तो यू कैन डेफिनेटली यूज अ ट्रेडमिल, बट प्लीज मेक श्योर यूज इट इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। ठंड में पता क्या होता है, मेरी तो सारी सारी रात गुजर जाती है रजाई में ये सोचने में कि ठंड किधर से आ रही है। रिमेंबर फॉर अनबायस्ड एंड ओरिजिनल कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू फीड द इडियट एंड प्लीज कॉमेंट हेयर फॉर योर ट्रेडमिल एक्सपीरियंस। वी विल लव टू हेयर अबाउट इट. And I will be back with my next video very soon. Stay safe, be happy.